फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण को लेकर गृह मंत्री ने की समीक्षा बैठक। मंत्री ने ग्रामीणों व फैक्ट्री मालिकों से करी चर्चा। दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र ग्राम रसमड़ा में प्रदूषण से परेशान होकर पिछले दिनों ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था और प्रदर्शन किया था और गृह मंत्री से इसकी शिकायत की थी, जिसे लेकर गृह मंत्री तामधज साहू ने फैक्ट्री मालिक व ग्रामीणों के साथ बैठक ली। लेकिन समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं होने की स्थिति में गृह मंत्री ने कंपनी मालिकों व ग्रामीणों के साथ में पुनः बैठक कर चर्चा की और ग्रामीणों और कंपनी संचालकों ने जिस तरह से आपसी सामंजस्य के साथ समस्या का निराकरण किया, उसे गृह मंत्री भी संतुष्ट हुए। इस विषय में गृह मंत्री तामधज साहू ने मीडिया को जानकारी दी। उद्योग से संबंधित तो, कुछ समय पहले गांव वाले वहां चक्का जाम किए थे, उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय कलेक्टर महोदय पिछली बार मीटिंग रखे थे, उसमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। उद्योग विभाग को, अधिकारियों को, इंडस्ट्री वालों को, सबको अलग अलग निर्देश दिए गए थे और कहा गया था 15-20 दिन के बाद फिर बैठक रखेंगे, फिर समीक्षा करेंगे उसमें क्या प्रगति हुई। तो आज फिर से उसी लिए बैठक रखी गई थी। परिणाम अच्छा लग रहा था समीक्षा में। प्रदूषण का जो 160-170 था अब 80 तक आ गया है, धीरे धीरे उसको और कम ला रहे हैं। वृक्षारोपण कम हो पाया है, उसको करने के लिए कहा गया है। CSR मद के कामों की बात, नौकरी स्थानीय को देने की बात, तो 4000 को नौकरी दी गई, जिसमें 4000 स्थानीय लोगों को नौकरी दी गई, जिसमें प्रॉपर रसमड़ा के 1000 लोग, पूरी जानकारी आ जाई है। और ज़मीन ट्रांसफ़र करने की बातें तो विभाग को लिखा गया है। तो आज एक अच्छा सकारात्मक रहा आज की बैठक में। फिर ऐसी 15-20 दिन बाद और देखेंगे, जरूरत पड़ी तो फिर बैठक करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।